निकल रहा था। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और संतोषी माँ के कृपा से आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, इसलिए अभी सभी के घरों में काम लगे होंगे। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख रहा है कि अभी दिवाली का सीज़न है गाइस, तो अभी सबके घरों में काम लगी है और मेरे घर में भी दिवाली की तैयारी चल रही है गाइस। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चूना वगैरह फुलाने के लिए। और गाइस सुबह का सारा काम हो चुका था और इसीलिए मैं थोड़ा सा जा रही हूँ चूना फुला देने के लिए। और दिवाली है गाइस, तो अभी ज़्यादा दिन टाइम नहीं है दिवाली आने में। और मेरे घर में अभी बहुत सारा काम है क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है गाइस, पचाड़ा वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हस्बैंड थोड़ा सा चूना लाए थे और मैं भी गई थी साथ में। और जो घर का जो पोचाड़ा वगैरह कलर वगैरह रहता है गाइस, चूना वगैरह सारा चीज़ हम लोगों ने ला लिया था एक दिन पहले। और हस्बैंड टीना लाए थे चूना फुलाने के लिए, तो इसीलिए मैं टीने को थोड़ा सा गर्म पानी डाल के धो दी हूँ। और टीना तो आप लोग जानते हैं गाइस, तेल या डालडे का होता है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा चिकनाहट थी, तो मैं उसको गर्म पानी से थोड़ा सा धो दी हूँ और उसमें चूना फूलने के लिए डाल दी हूँ गैस। और चूना फूल जाएगा और उसके बाद ही घर में पोचाड़ा वगैरह होगा गैस। तो देखिए मैंने थोड़ा सा चूना डाल दी हूँ टीने में फूलने के लिए। और यहाँ पे टीना भी में टीने में चूना खोल रहा है गैस, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें गर्म पानी नहीं डाले थे गैस, ये ठंडा ही पानी था और थोड़ा टाइम लगा पर पूरा खोल रहा है गैस। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से खोल रहा है, जैसे कि चूल्हे पे चढ़ा होगा उसी तरह खोल रहा है गैस। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चला दे रही हूँ इसको और लाई थी डंटा है गैस, तो इसी से थोड़ा सा मिक्स कर दे रही हूँ। और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा नील वगैरह डाल के पोचाड़ा हो जाएगा गैस। तो देखिए अभी मैं मिट्टी भी खरीद रही हूँ गैस, मिट्टी थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था। और जो मिट्टी पहले मैं ख़रीदी थी गैस, तो उसको थोड़ा सा लेवार दी थी और ओटा वगैरह में डाल दी थी गैस, तो मिट्टी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह भी ख़रीदना पड़ता है गैस मिट्टी लगाने के लिए। तो देखिए गैस मैं मिट्टी अभी ख़रीदती हूँ और दो बोरा मिट्टी ये बगल का है ला दिया है, इसको मैं पैसे दे दी हूँ। तो देखिए गैस मेरा चूना फूल चुका है, अब जा रहे थोड़ा सा नील वगैरह ला दे रही हूँ, तो हस्बैंड मिला लेंगे और तब तक मेरा चूना फूलेगा गैस, तब ठंडा होगा उसके बाद ही मिक्स होगा। और मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा मिट्टी में पानी वगैरह डाल दे रही हूँ। और अभी मेरा आंगनबाड़ी है गैस, तो इसीलिए मैं सुबह का भी सारा काम हो चुका था, तो इसलिए चूना वगैरह डाल दी थी फूलने के लिए। हस्बैंड बोल रहे थे कि तब तक मैं जो हम लोग का बाउंड्री है गैस, तो अंदर का पोचाड़ा नहीं होगा।
अंदर का पुजाड़ा नहीं होगा गाइस, क्योंकि हाल ही में शादी में पुजाड़ा वगैरह हुआ था अंदर का, और बाहर में भी हुआ था गाइस, पर बरसात में बाहर का बाउंड्री थोड़ा ख़राब हो चुका है और पानी गिरने से थोड़ा सा काई वगैरह भी लग चुका था गाइस, और काला काला टाइप का लग रहा था। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि बाहर बाहर थोड़ा सा पुजाड़ा कर देंगे और दीपावली में थोड़ा सा बाहर साफ सफाई रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो देखिएगा, इसमें चली गई थी सारा काम करके आंगनबाड़ी, और उधर से आने के बाद मैं दरवाज़ा खोल के देखी गई तो देखा कि हस्बैंड थोड़ा सा पुचाड़ा मार दिए हैं, और खाना वगैरह खा के हस्बैंड थोड़ा सा लग गए थे गैस पुचाड़ा करने के लिए, और मैं आंगनबाड़ी में थी। और यानी सुबह का सारा काम करके मैं चली गई थी गैस आंगनबाड़ी, क्योंकि ड्यूटी भी करना ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी आंगनबाड़ी से। तो वही देख रही थी गैस कि हस्बैंड थोड़ा सा पुचाड़ा जो अस्तर टाइप का होता है गैस वो कर दिए थे, क्योंकि बाउंड्री में थोड़ा सा पानी वगैरह गिरा था तो काला काला टाइप का हो गया था गैस। तो इसलिए हस्बैंड एक बार पुचाड़ा मार दिए हैं, और दूसरा बार सोच रहे थे कि मैं साथ में कर दूंगी तो जल्दी हो जाएगा गैस। तो इसीलिए मैं आंगनबाड़ी से आने के बाद कपड़ा चेंज कर ली थी, और कपड़ा चेंज करने के बाद गैस मैं भी लग गई हूँ थोड़ा सा पेंट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा गैस। तो देखिए गैस, मैं भी अभी शामिल हो चुकी हूँ इस पेंट करने के लिए, और मैं एक तरफ का पेंट करने लग गई हूँ गैस, मैं इधर का नहीं कर रही हूँ, इधर हस्बैंड लगे हुए थे। और एक बार चारों तरफ जो अस्तर टाइप का होता है गैस, यानी अस्तर टाइप का जो होता है एक बार पहले होता है, तो चारों तरफ मेरे हस्बैंड कर दिए थे, और जब तक मैं आंगनबाड़ी में थे तब तक मेरे हस्बैंड चारों तरफ कर दिए थे। और मैं जब आई आंगनबाड़ी से तो कपड़ा वगैरह चेंज करके मैं भी लग गई थी गैस खाना वगैरह खा के, क्योंकि ऐसे करने से मिल के करने से क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो देखिए गैस, मैं अभी लग गई हूँ पुचाड़ा करने के लिए, और अभी इधर यहाँ पे ईटा थोड़ा सा रखी थी, और उसके बाद जब मैं पुचाड़ा कर रही थी गैस तो मेरे चाचा ससुर आ गए थे बंगाल से, पूरा चुना चुना। तो देखिए गैस, चाचा ससुर आए थे तो इसीलिए मैं भी बैठ गई थी और चाय वगैरह श्रद्धा बनाई, तो चाचा ससुर पी रहे थे। और उसके बाद फिर से हम लोगों ने लग गया गैस पेंट करने में, और मेरा आधा दीवार हो चुका था गैस, और आधा दीवार हो चुका था और आधा हस्बैंड का, एक तरफ हस्बैंड कर रहे थे एक तरफ मैं कर रही थी। अभी देखिए इतना पूरा बाकी है, और मेरा एक ठो दीवार हो गया था गैस, इधर का जितना है इधर का हो गया था, और दूसरे दीवार में मैं लटक गई थी, और इधर हस्बैंड भी हो गया था। तो देखिए गैस, अभी मैं इधर का दीवार अभी थोड़ा सा बाकी है करने के लिए, तो इसीलिए मेरा देवर थोड़ा सा बैग वगैरह आए थे मांगने के लिए, तक करो तो ले जा रहे थे, पता नहीं कहीं जाएंगे तो इसीलिए आए थे घर थोड़ा सा बैग लेने के लिए। तो वही मेरा देवर जी है, ले जा रहे हैं। और इधर मेरा हस्बैंड भी लगे थे गैस पुचाड़ा करने के लिए, और अभी बहुत बाकी था गैस इस आंगन का, थोड़ा सा लिपाई वगैरह भी अभी बाकी है, तो मैं सोच रही थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो शाम होते होते अगर हो जाएगा गाइस तो यहाँ का आंगन थोड़ा सा लिपाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो चूना वगैरह गिर रहा है गाइस तो सादा सादा टाइप का हो रहा है, और यहीं से थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो पैर में सादा सादा टाइप का रहता है, तो गाइस अंदर भी गंदा हो जा रहा था, और इस आंगन का लिपाई हुआ रहता है तो अंदर का भी थोड़ा सा साफ सुथरा लगता है दिखने में गैस, और यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था चूना वगैरह जो फूला था गैस यहाँ पे, और पुचाड़ा वगैरह हो रहा था तो यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी वगैरह भी यहाँ से टूट फूट चुका था, और यहाँ से बुल के जाने में अंदर थोड़ा सा वो गंदा टाइप का लग रहा था। तो इसलिए मैं सोच रहे थे कि शाम तक अगर दीवार मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ का आंगन थोड़ा सा लिपाई कर देंगे, और गोबर भी ला कर रखे थे गैस, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी कि साथ में मिल के कर देंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद बाहर का जो मेरा रोड का बगल का जो दीवार है गैस वो भी हो जाएगा, तो पहले ही इसीलिए हम लोग बाउंड्री का ही पहले से हम लोग पुचाड़ा कर ले रहे हैं, उसके बाद इला हो जाएगा गैस, तो उसके बाद
बाहर का पुचड़ा वगैरह हस्बैंड कर देंगे। तो देखिए गाइस, मेरा यहाँ तक का दीवार हो चुका है और हम लोग जब भी पुचड़ा वगैरह करते हैं गाइस तो मिल के कर देते हैं, और समय मिलता है तो मैं भी कर देती हूँ। और वैसे तो ज़्यादा समय मिल नहीं पाता क्योंकि सुबह का सारा काम करके मैं चली जाती हूँ आंगनबाड़ी, और अभी भी आंगनबाड़ी से ही आई थी गाइस। तो आंगनबाड़ी आने के बाद खाना वगैरह खा कर मैं लटक गई थी पुचड़ा वगैरह करने में, और दीवार का रहता है तो दीवार में थोड़ा सा मिल के कर देती हूँ। और जैसे छत्ता वगैरह का रहता है गाइस तो मैं छत्ता वगैरह नहीं करती हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा यहाँ तक का पुचड़ा हो चुका है, सिर्फ इस दीवार का बाकी है, और इस दीवार का मेरे हस्बैंड कर रहे हैं दोबारा, और मैं इधर का दोबारा कर चुकी हूँ। यानी इधर का जो जितना था सारा पुचड़ा हो चुका है गाइस, बस इस एक दीवार का बाकी था। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस में चूना वगैरह पूरा एकदम सादा सादा टाइप का लग रहा है, और इसको गर्म पानी से ही छुड़ाना पड़ेगा गाइस। तो देखिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ स्टेशन, और उसके बाद यानी जो पोचाड़ा वगैरह जितना हुआ था गाइस उतना मैं करके उसके बाद अंधेला होने वाला था, तो नहा के उसके बाद तैयार होके मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड है गाइस हम लोग आ गए थे स्टेशन। और ये मेरे हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड को साथ में लाई थी टिकट कराने के लिए, तो टिकट हम लोगों को हो चुका है गाइस। और ये है हमारी दिल्ली की टिकट, और दिल्ली में हमारी धरना है गाइस।